शानदार प्रस्तुति। हमारे बीच हैं इंद्रजीत साकेत, पंडित इंद्रजीत साकेत। आज से पंडित नाम शुरू किया गया है और यह पंडित हैं। तो हारमोनियम से लेकर के बांसुरी और माउथ हार्गन यानी हारमोनिका से लेकर के गिटार, ढोलक, और यह हारमोनिका है आपके हाथ में जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उदीयमान छात्र, जन्मजीत जन्मजात, परमात्मा ने दोनों आंखों की रोशनी छीन लिया था, जन्मजात हुआ था ना जी जी जी। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। इनके पिताजी माताजी की वंदना करता हूँ। अस्तुत्य हैं वह लोग जिन्होंने अपने बेटे को रीवा से लेकर के और काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पढ़ाया। और साकेत रुकेगा नहीं, साकेत नहीं रुकेगा, साकेत थमेगा नहीं, साकेत को रोकेगा कौन। चलिए हारमोनिका शुरू कर दीजिए कुछ जो भी। देखिए आज होली का समय भी चल रहा है, इसलिए कुछ होली में ही मतलब जो है तो इसमें सुनाने का प्रयास करता हूँ। होली का शीर्षक है खेलें मसाने में होली, दिगंबर खेलें मसाने में होली जी। शानदार प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, नजर न लगे, नजर एक कल्पना कभी मानते ही नहीं। एक कल्पना गीत गाती हैं, नजर न केकरो लग जाए। क्या है, याद है कुछ? याद है उसने की चोटी में एक एगो नेबुआ दो चार गो मिर्ची लटका वाला चोटी में, चोटी में। वाह वाह, तो भोजपुरी पर अच्छा कमांड है आपका। अरे किसके गीत भोजपुरी में अच्छे लगते हैं आपको? देखिए हम मतलब सभी के गीतों को भी सुनते हैं और मतलब गाने को तो हम गाते नहीं, भजन वजन अक्सर गाते हैं। तो भोजपुरी गीत एक मनोज तिवारी जी का मतलब ऐसे कई तो आप ही के छात्र हैं। हाँ बी एच यू के, और मनोज तिवारी जी हैं भोजपुरी में। इधर बीच मैथिली ठाकुर जी का भी हमको काफ़ी अच्छा लगता है जी। हाँ भजन के अगर क्षेत्र में अगर मैथिली ठाकुर के साथ आपका बैठना हुआ, कभी मुलाकात तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं अपने को उस योग्य समझता हूँ। अरे ऐसा क्या है, आप बहुत योग्य हैं। नहीं नहीं, आप अपने को कम माता की है। साकेत रुकेगा नहीं, अरे तो। साकेत दौड़ेगा, साकेत लोहा मनवाएगा और साकेत परचम फहराएगा। साकेत को देश ही नहीं पूरा विश्व जानेगा।
क्योंकि साकेत इसीलिए पैदा हुआ है। तो साकेत, अगर मैथिली ठाकुर के साथ आपका बैठना होगा, हमारा यह सौभाग्य रहेगा, तो उनके उनके साथ कौन सा गीत आप गुनगुनाना चाहेंगे? नहीं, हम तो गुनगुनाने की वो तो क्षमता तो नहीं रख पाते, लेकिन फिर भी मतलब जो है तो एक, अब ऐसा हम कौन सा कह दें, वो तो फिर समय आने पर वो कोई, होता कोई, है कोई कोई कौन सा बाकी उनका मतलब जो है तो हम उनके कई गीत सुनते हैं। तो हम तो पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, ये गीत जैसे है, जैसे कैसे है उसको हम गाने में थोड़ा कोई, हमारी कोई, कोई जो आप गा सकते हो, मैं इसलिए कहेंगे कि साकेत जी एक सुना दीजिए, आप कौन सा सुनाएंगे? नहीं नहीं, तो अब हम ऐसे मैथिली के हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। अरे नहीं, हम जो है तो एक हम पराशर जी महाराज की मतलब उसमें सुने हैं, तो हम मतलब इस भजन है, सिया जुक मिथिला नगरिया है मनोहर लागे, सिया जुक मिथिला नगरिया है मनोहर लागे, सिया जुक मिथिला नगरिया है मनोहर लागे, नगर निवासिन के नयनन सो, नगर निवासिन के नयनन सो, छलकत प्रेम गगरिया है मनोहर लागे, सिया जुक मिथिला नगरिया है मनोहर लागे। बहुत अद्भुत। और वहाँ के नर नारी कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ ज्ञान की बरस बदरिया है मनोहर लागे, सिया जुक मिथिला नगरिया है मनोहर लागे, इस प्रकार से। और वास्तव में जैसा कि हम उनको देख रहे हैं मैथिली जी को, तो वास्तव में उनके पास ज्ञान का भंडार, कला का भंडार सब प्रकार से वास्तव में है, तो ऐसा हमें बहुत अच्छा लगता है। मैथिली बेटा, हमारी आवाज़ पता नहीं तुम्हारे तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, लेकिन मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी तुमसे मुलाकात होगी तो मैं मिल करके भी अनुरोध करूँगा कि साकेत के साथ एक प्रोग्राम तो तुम्हारा होना चाहिए। तुम हारमोनियम बजाओगी और जो भाई लोग हैं वो अपने अपना काम करेंगे, और साकेत चुटकी बजा करके, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, लेकिन हम देखिए ज़्यादा दक्ष नहीं हैं इन चीज़ों में, थोड़ा ये आपकी महानता है जो आप नहीं, महानता नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मैं सच्चे दिल से कहूँ, वह अयाची ताली बजाएगा और आप चुटकी बजाएंगे, क्योंकि देखिए तो हमारी बात पहुँचेगी। मनोज तिवारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही उनका आगे बढ़ना हुआ है, यहाँ उनका प्राण बसता है, तो आते भी हैं दुर्गा कुंड। हाँ, तो मनोज तिवारी के साथ तो कभी आपकी मुलाकात हो नहीं पाई। नहीं, मनोज तिवारी तक भी मैं यह बात पहुँचाना चाहूँगा, हमारे मित्र लोग पहुँचा देंगे, ऐसा नहीं है। और देखिए, मैं उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ मैथिली जी के, जिन्होंने इतना सुंदर संस्कार दिया। वास्तव में अगर जो भी कुछ होता है व्यक्ति, अगर उसके पवित्र विचार आते हैं तो उसका उसके पीछे उसके माता का कारण होता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसका जो बौद्धिक विकास होता है वो उसके पीछे पिता का संस्कार, पिता का पुण्य होता है, और व्यक्ति जब भाग्यवान होता है तो उसका आत्म पुण्य होता है। भागवत में कहा, भागवत में श्लोक है, शुचिमान मातृ पुण्येन पितृपुण्येन बुद्धिमान, वंशवान वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान, ऐसा भागवत में कहा। यह है पंडित इंद्रजीत साकेत। तो नहीं, आप क्यों हमको अजीब नहीं, यही सच है, यही सच है दोस्त, यही सच है, यही सच्चाई है, यही धर्म शास्त्र उपनिषद और सब में यही लिखा गया है, कर्म से ही सारी चीज़ें, कर्म से ही। कर्म पर मालवीय जी कौन सा श्लोक है? कर्मणेवा नहीं, एक और है कि गीता में ही है, चलिए मुझे याद नहीं है, तो हमें भी नहीं ध्यान। जन्मता जायते कैसे है? जन्मना जायते शूद्र, वो तो मतलब किसी दूसरे गीता में नहीं है, किसी दूसरे किसी और में ही है जी। तो चलिए मैथिली तक हम अनुरोध ज्ञापित करेंगे, यदि मनोज तिवारी के साथ आपकी मुलाकात हो जाए जी, तो उनके तो तमाम गीत हैं। हाँ। तो वैसे गीतों को हटा दिया जाए, आज मनोज भी पछताते होंगे
वह गीत जो गाए हैं उन गीतों पर आज पश्चाताप होता होगा, यार कहाँ से मैंने कर दिया, और वह गीत उनके लिए काफ़ी दुखद उसके कारक हैं, प्रवृत्ति के कारक हैं। जैसे अब उसको क्या दोहराया जाए, रिंकिया के पापा ही अब उसका कोई मतलब मेरे समझ में नहीं आता है, और BRP के नाचत बाणी छम्मक, तो चलिए मनोज पछता रहे होंगे। मनोज के कोई अच्छे गीत अगर आपके साथ मनोज की मुलाकात हुई तो जी, तो मुझे देखिए मतलब वो गीत याद नहीं आ रहा, लेकिन वो हमें स्वर आ रहा है हाँ। तो मैं उसको माउथ हरगन में आपको हारमोनिका में सुनाने का प्रयास करता हूँ हाँ। वो गीत हमें याद नहीं आ रहा देखिए, इसलिए हम वो बाकी वो गीत ऐसे हैं हाँ, अब गाना याद आ गया, पर्वत बास नदिया बा सुंदर सुंदर, पर्वत बा समुंदर सुंदर नदिया बा सुंदर सुंदर, पर्वत बा समुंदर सुंदर, पर्वत बा समुंदर सुंदर, सबका से सुंदर मोरी मैया हे विंध्याचल मैया, सबका से सुंदर मोरी मैया हे विंध्याचल मैया, ऐसा वो है। और किसके गीत पसंद आते हैं आपको? और हम अब ऐसे गीत तो हमें देखिए बहुत जिनके भी अच्छे लगते हैं आप उनको सुनते हैं जी, और उनसे सीख लेते हैं जी हमें। और अगर कथा वथा की बात करें तो राम कथा में मैं प्रेम भूषण जी महाराज की सुनता हूँ, काफ़ी हमें अच्छा। अच्छा, राम कथा में जी कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगता है? राम कथा के तो हमें सभी प्रसंग ऐसे जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए अब प्रेम भूषण जी महाराज के और अपने गुरु जी के महाराज के श्रीमुख से मैं कथा हमेशा सुनता रहता हूँ। आइए हम लोग टहलते भी रहते हैं क्योंकि बैठे बैठे मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो उसमें आइए आइए आइए, छोड़ दीजिए उसको। अच्छा हाँ, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए जी, तो इधर आ जाइए। हाँ, राम कथा प्रेम भूषण जी महाराज का सुनते हैं और अपने गुरु जी की भी कथा। ऐसे कई संत महापुरुष आपके, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा, वह कहाँ रहते थे? वो तो गुरु जी का निवास स्थान उरई, उरई में पचखुरा जिला है। हाँ, तो मतलब उरई जिले में पचखुरा नामक गाँव है। अच्छा, अब वह नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए। जी जी जी, लेकिन उन्हीं की कृपा आज हम पर बरस रही है देखिए। और हम भागवत कथा में मैं पाराशर जी महाराज की भी कथा सुनता हूँ। अच्छा। पाराशर जी महाराज भी बहुत सरल, भागवत का कोई प्रसंग, गीता का कोई प्रसंग, कोई भागवत में देखिए एक मतलब जो तो ये जो आप प्रसंग आता है भागवत में, त्रिशु देवेशु को महा, तीनों देवताओं में बड़ा कौन है? पाराशर जी महाराज के श्रीमुख से हमने सुना था। हाँ। त्रिशु देवेशु को महा, तीनों देवताओं में बड़ा कौन है? तो उसमें ब्रह्मा है या विष्णु जी या भगवान भूत भावन भोले शंकर। हाँ। तो इसमें परीक्षा ली जाए, इसकी परीक्षा की जाए, तो परीक्षा के लिए ब्रह्मपुत्र भृगु मुनि को भेजा गया। हाँ। और भृगु जी जब गए परीक्षा लेने के लिए तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी लाल पीले हो गए कि मेरा ही पुत्र और मेरी ही मतलब मुझे ही प्रणाम नहीं कर रहा है। हाँ। आज मेरी अवज्ञा करके चला जा रहा है। तो ब्रह्मा जी कुपित हुए, परंतु भृगु जी ध्यान नहीं दिए और आगे बढ़े। जब आगे जैसे ही बढ़े तो शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान के पास जब गए, शंकर भगवान भी त्रिशूल लेकर के दौड़ने मारने के लिए दौड़े, परंतु माँ भवानी पार्वती जी ने उन्हें रोका और जाकर नारायण की छाती में स्वयं भृगु जी ने लात मार दिया। तो भगवान प्रभु तुरंत, विष्णु भगवान हमारे प्रभु जी जो है तुरंत खड़े होकर के और भृगु जी का चरण दबाने लगे, बोले अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिनः, अपने पाणी अपने हाथों से अपने भगवान हमारे नारायण प्रभु चरण दबाने लगते हैं भृगु जी का और कहते हैं प्रभु अहो भाग्य हमारे जो आप इस मेरे कुटिया में पधारे। तो हम चाहते हैं प्रभु हमसे एक धृष्टता ये हुई कि आपके इस
आपका कमल से भी कोमल चरण और मेरा वज्र से भी कठोर हृदय है और इस कठोर में आपका चरण लगा, आपको बहुत पीड़ा हुई होगी प्रभु, इसलिए मेरी ये धृष्टता, मैं अपनी इस धृष्टता के लिए क्षमा करता हूँ। प्रभु का ऐसा स्वभाव, ऐसा भगवान का स्वभाव मैं अब कहाँ पाऊँ। विष्णु भगवान ऐसे, वे वेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। हमारे गुरु जी कहते थे, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। जी इस प्रकार से, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। जी यह है इंद्रजीत, पंडित इंद्रजीत साकेत जी, जिनके साथ हम आप इस तरह के मंत्र और इस तरह के स्त्रोत्र सुन रहे हैं। गीता से लेकर के और भागवत तक पर आपका कमांड है, ऐसे गुरुओं के साथ आपका रहना हुआ है। गुरु के सम्मान में दो शब्द, कोई स्तोत्र, कोई जी। गुरु तो ऐसे हैं कि अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जो अज्ञान तिमिरन अंधस्य, अज्ञान मतलब अज्ञान रूपी तिमिर का, अज्ञान रूपी अंधकार का जो विनाश करते हैं, कैसे अपने ज्ञान रूपी शलाका के शलाका से, ज्ञानांजन शलाकया, अपने मतलब ज्ञान रूपी शलाका से हमारे चक्षु में मतलब जो काजल लगाते हैं, तो उस वो ऐसे गुरु जो है तो हमारे नेत्रों को खोलते हैं। ऐसे गुरु को तो हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और जिसने, आप सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी गुरु का अगर सम्मान किया, तो राजा दशरथ जी ने अपने चौपाई में कहा है, राजा दशरथ जी जब वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, ते जनु सकल विभव बस करही। जो यदि गुरु गुरुदेव के धूल को अपने मस्तक पर धारण करता है, मानो वो संपूर्ण संपत्ति को, संपूर्ण वैभव को अपने वश में कर लेता है, तो ऐसी गुरु की कृपा है। देखिए जी, तो उस गुरु जी के सानिध्य में आप रहे जी, अब वह नहीं रहे जी, लेकिन फिर भी कृपा है, उनकी कृपा और आशीर्वाद। आप काशी में हैं जी, और काशी भूत भावन भगवान भोलेनाथ की नगरी है जी, इसे त्रिशूल पर जी बसाया गया है जी जी जी। तो भगवान शिव के सम्मान में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? भगवान शिव के सम्मान में भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तब तत्त्वम न जानामि की दृशि असि महेश्वरः, की दृशो असि महेश्वरः, या दृशो असि भवान, तादृशाय नमो नमः। मैं आपके तत्व को तो नहीं जानता हूँ कि आप किस प्रकार से हैं, लेकिन आप जिस भी प्रकार से हैं, जैसे भी हैं, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, अगर भगवान हमें इस बात का दुख नहीं है कि भगवान ने हमें इस प्रकार बनाया। हम तो कहते हैं, प्रभु जब जब हमारा जन्म हो तब तब मुझे अंधा बनाओ आप, हमें इस बात का कोई वो नहीं, परंतु आप हमें काशी में रखें, यही हमारा हमको बहुत बहुत मतलब। आप धन्य है आप, और आप नेत्रहीन हो सकते हैं, दृष्टिहीन नहीं है आप, आपकी दृष्टि व्यापक है आप। महेशा ना परो देव महिमना ना परास्तुति अघोरा ना परो मंत्रो नास्त तत्व गुरु परम। पुष्पदंत उवाच, पुष्पदंत में ऐसा कहा गया जी है। जी जी, तो हम हैं पंडित इंद्रजीत साकेत जी के साथ, आंखें हमारी सजल हो गई हैं और सचमुच आप महान हैं। साकेत रुकेगा नहीं, साकेत दौड़ेगा, साकेत लोहा मनवाएगा। और देखिए काशी विश्वनाथ की ऐसी कृपा कि मैं जो है तो अयोध्या जी में भी रहता हूँ, और वास्तव में जैसा कि कहा गया कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुलय न तुलसीदास। तो यहाँ एक निमिष क्या, मैं बीच बीच में जाता ही रहता हूँ, कभी 3 महीने रुकता हूँ, कभी 1 महीने रुकता हूँ। और अयोध्या में एक पंजाबी मंदिर है, वहाँ भी हमारे मतलब काफ़ी वो हैं बहुत, वहाँ से भी हमें मान सम्मान मिलता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, और ये मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं, एकदम अपने परिवार जैसा बिल्कुल वो है। अगर आप नंबर बताएंगे तो लोग बहुत फ़ोन करेंगे जी जी, चलेगा तो, हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी यूट्यूब में श्री भागवत रसामृतम चैनल में हाँ, हमारा नंबर है। अच्छा, श्री भागवत रसामृतम ये जी, इसमें पराशर जी महाराज के लिए जो लोग चाहेंगे उनको मैं नंबर बता दूंगा जी। और
साकेत जी के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। एक और भाग है जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार यह पशुओं की आवाज़ में, तो हमारे संविधान में भी वर्णित है जीव जंतुओं के प्रति हमें आदर भाव रखना है। तो आप बने रहिए और अगले भाग का इंतजार करिए। धन्यवाद।